हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किसी भी कार का एयर फिल्टर कैसे क्लीन करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हर एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार के ग्लव बॉक्स के नीचे ही आपको एयर फिल्टर मिलेगा। आपको कहीं से भी इसको साफ सुफ करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप साफ कराओगे आपसे 250 से लेके 300 रुपये आपसे इसको चार्ज करा जाएगा। इससे बेटर है कि आप अपना भी इसको क्लीन कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, अपना ग्लव बैग, कार का ग्लव बैग जो नीचे होता है उसको खोलिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खोलना है इसको। इसको पकड़ेंगे ऐसे और इसको हल्का सा झटका देना पड़ेगा तो ऐसे खुल जाएगा आपका। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये नीचे से दिखता है कैसे। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसा। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका एयर फिल्टर है। अब आपको दिखाता हूँ इसको निकालना कैसे। इसमें यहाँ पे एक लॉक होता है साइड में। तो जब खोलेंगे तो हल्का सा फंसा होता है, निकल जाता है ऐसे। आपका ये निकल जाएगा। अब इसके बाद आपको ये फिल्टर है ये आपको निकालना है यहाँ से। इसमें देखिए, जब इसको आप हल्का सा ब्रश करेंगे, इसको खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा आपका। ये देखिए, कितनी मिट्टी जमी हुई है। आप इसको खुद भी साफ कर सकते हैं, ब्रश से साफ कर सकते हैं, कैसे साफ कर सकते हैं। जब आप इसको वैसे करेंगे तो इसमें कितनी मिट्टी निकलती है। तो आप इसको चाहे रख के ब्रश के साथ जैसे मर्जी करके आपको सही लगता है आप इसको साफ कर सकते हैं। इसमें मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, इसमें कई चीजें कुछ फंस जाती हैं। देखिए ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। इसको दोबारा लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। देखिए अब इसको लगाना कैसे है, वैसे जैसे निकाला था वैसे ही लगाना है। इसको नंबर सीन पे देखिए, इसको ऐसे ही रखना है। इसमें लिखा भी हुआ ऐसे यहाँ पे फिट करना आपको। अब जैसे ये फिट हो चुके हैं आपको दोबारा से लगा देना। जो क्लिप निकला है आपको दोबारा से इसमें फिट कर देना। थोड़ा सा लगाना थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा आपको सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। और एक दो बार ही निकालेंगे तो आपकी सेटिंग हो जाएगी। दोनों तरफ इसकी क्लिप होता है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे साइड में क्लिप करके इसको यहाँ पे करेंगे तो टक देखिए हो जाएगी, तो फिक्स हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो दोबारा से इसको यहाँ पे ग्लो बॉक्स लगाएंगे। ये देखिए, आप ग्लो बॉक्स फिट हो चुके हैं और बस ये फिनिश। अब आप जिसको चलाएंगे तो बिल्कुल आपको साफ सुथरी हवा मिलेगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हो सकता है आप दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video and please subscribe to the channel.